Friends, subscribe the TechMate Technology channel and hit the bell icons to get all the new updates about TechMate Technology's informative videos. Namaste. Friends, आज के इस वीडियो सेशन में हम 5S के बारे में देखेंगे. 5S क्या है, कहां से लिया गया है, कितने प्रकार के होते हैं और उनके अलग-अलग बेनिफिट्स क्या हैं. फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. थैंक यू. 5S. 5S एक वर्कप्लेस मैनेजमेंट टेक्निक है जो हमारे कार्य को सरल, सुव्यवस्थित, सुरक्षित तथा दुर्घटना मुक्त कार्यस्थल प्रदान करता है. 5S एक जापानीज वर्ड है जिसे जापान से लिया गया है. 5S में 5 प्रकार के S होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं. फर्स्ट, सेरी. सेरी का अर्थ सॉर्टिंग यानी छाट छटाई होता है. 5S में सेकेंड S सेइटोन यानी सेट इन ऑर्डर, जिसका अर्थ सुव्यवस्थित करना होता है. 5S में थर्ड S सिसो यानी क्लीन, जिसका अर्थ साफ सफाई करना होता है. 5S में फोर्थ S सेइकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका अर्थ मानकीकरण होता है. 5S में फिफ्थ S सिसुके यानी डिसिप्लिन, जिसका अर्थ अनुशासन होता है. 5S के लाभ. 5S के द्वारा हम अपने वर्क स्टेशन को साफ सुथरा बना सकते हैं. साथ में ही हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तथा प्रोडक्ट एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं. 5S के द्वारा हम अपने नियर टू मिस होने वाली घटनाओं को भी दूर कर सकते हैं. 5S से हम अब डिटेल्स में समझेंगे. 5S. सेरी का अर्थ सॉर्टिंग होता है, यानी आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग अलग करना ही सॉर्टिंग कहलाता है. जैसा कि चित्र में हमें दिखाया गया है कि एक वर्कर एक बिन से निकालकर दूसरे बिन में यूजफुल मटेरियल को रख रहा है और जो यूजफुल नहीं है उसे ज़मीन में रख रहा है. बेनिफिट्स. सेरी के द्वारा हम अपने कार्य क्षेत्र में केवल यूजफुल मटेरियल को ही रख सकते हैं. इसके द्वारा हम मटेरियल को सर्च करने में लगने वाले समय को भी कर सकते हैं. सेरी के द्वारा हम अपने कार्यस्थल में और भी ज़्यादा स्पेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. 5. सेरी के द्वारा हम अपने प्रोसेस में स्मूथ फ्लो को बनाने में मदद कर सकते हैं. 5S में सेकेंड S सेइटोन यानी ऑर्डरनेस होता है. इसका अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु के लिए एक निर्धारित स्थान होना और प्रत्येक स्थान पर एक निर्धारित वस्तु रखना ही ऑर्डरनेस कहलाता है. जैसा कि फिगर में हमें दिखाया गया है कि वस्तुओं को घटते से बढ़ते क्रम में लगाया गया है या बढ़ते से घटते क्रम में लगाया गया है और प्रत्येक वस्तु का स्थान भी निर्धारित है. 5S सेइटोन के बेनिफिट्स. सेइटोन के द्वारा हम अनसेफ कंडीशन को भी ख़त्म कर सकते हैं. एक्सेस इन्वेंटरी को भी हम रिमूव कर सकते हैं. सर्चिंग टाइम को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. सर्चिंग टाइम में लगने वाली एनर्जी को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. हमारी इफ़ेक्टिवनेस को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड होना, सेफ्टी होना आदि इसके बेनिफिट्स होते हैं. 5S में थर्ड S सिसो होता है. सिसो का अर्थ यानी क्लीन.
क्लीन का मीनिंग है कार्य करते हुए नियमित रूप से अपने कार्य क्षेत्र की साफ सफाई रखना ताकि हम दुर्घटनाओं और बीमारियों से बच सके, इसे सीसो कहते हैं। सीसो के बेनिफिट्स। सीसो के द्वारा हमें एक बेटर वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, हमें मोर प्रोडक्टिव प्रोसेस मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। साफ सफाई के द्वारा हम छोटे छोटे आने वाले ब्रेकडाउन्स को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। 5S में फोर्थ एस सेई के सु होता है, जिसका अर्थ स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण होता है। मानकीकरण किसी भी कार्य को करने के लिए एक निर्धारित कार्य प्रणाली होना, जैसे SOP अथवा प्रत्येक वस्तु का स्थान उसके नाम के साथ और मार्किंग के साथ निर्धारित होना आदि मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण के बेनिफिट्स। मानकीकरण के द्वारा हम किसी भी कार्य को कैसे करना है आसानी से समझ सकते हैं, प्रोडक्शन को हम अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रत्येक वस्तु का कैसे रख रखाव करना है आदि हम उसके द्वारा काफ़ी अच्छा अपने वर्क प्लेस को बना सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके द्वारा प्रोसेस में आने वाली किसी भी तरह की घटनाओं अथवा डिफेक्ट को हम काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं। 5S में फिफ्थ या शिशु के यानी डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का अर्थ है कि कंपनी या संस्था के अंदर कार्य करते समय जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशन हैं उन्हें फॉलो करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। अर्थात कंपनी के द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन के बेनिफिट्स। अनुशासन के द्वारा हम होने वाले डिस्प्यूट को कम कर सकते हैं, प्रॉपर टीम वर्क हमें फाइंड होता है और प्रॉब्लम को आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस तरह से हमने 5S के बारे में सीखा। 5S एक बहुत ही बेहतर चीज़ है जिसे हमें कंपनी के अंदर ही नहीं अपने घर पर भी यूज करना चाहिए।